दोस्तों, क्या आपने सोचा है अगर आज भी विशाल मेगलोडोन जिंदा होता तो इसके कारण इंसानों का क्या हाल होता? या तो मेगलोडोन हम इंसानों का शिकार करता रहता या हम इंसान मिलकर उसे मार देते। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में अपने इस मछली को कई किताबों में या फिर मूवीज में देखा होगा, जो डायनासोर से भी कई गुना साइज में अधिक होते हैं और समुद्र में गुजरने वाले जहाजों को अपना शिकार बना लेते हैं, जिसे पहले लोग समुद्र का दानव कह के पुकारते थे। अब चाहे ये कोई कहानी हो या फिर सच्चाई, लोग इस विशाल का जीव को मेगलोडोन नाम से बुलाते थे, जो कि शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति है। इस खतरनाक शार्क का मुंह इतना बड़ा है कि एक बार में कई इंसानों को एक बार में खा सकती है। जरा सोचो, आप समुद्र से गुजर रहे हो और तभी आपको पानी के नीचे हलचल महसूस होती है और फिर अचानक पानी के ऊपर शार्क आ जाए, तो जरा सोच कर देखो आपकी क्या हालत होगी। वैसे देखा जाए तो ये शार्क अब विलुप्त हो चुका है, नहीं तो इंसानों को आज पानी से गुजरना लगभग नामुमकिन होता। और दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सी वीडियोस भी देखी होगी जो आज भी दावा करती है मेगलोडोन के जिंदा होने की, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आज भी ये दानव पानी के नीचे छुपा हुआ है और जहाँ ये छुपा है उस जगह का अनुमान लगाया जाता है मेरियाना ट्रेंच, जिसका नाम आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। ये समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है और अगर इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। लेकिन साथ ही कुछ लोग इसे गलत भी मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर मेगलोडोन आज भी जिंदा होता तो कभी भी मेरियाना ट्रेंच में रह ही नहीं पाता, क्योंकि मेगलोडोन गर्म पानी में रहना पसंद नहीं करता। वही दूसरी तरफ मेरियाना ट्रेंच वाला जगह काफी ठंडा है और साथ ही वहाँ आज भी मेगलोडोन के कभी निशान नहीं मिले, जो ये साबित करता है कि मेगलोडोन अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन आज भी उसके विशालकाय दांत कई बार लोगों को मिल चुके हैं, जो कि इस बात को साबित कर देते हैं कि कई सदियों पहले ये शार्क राज करता था पूरे समुद्र पर। लेकिन दोस्तों, अगर हम ये बात आज भी मान ले कि ये मेगलोडोन शार्क आज भी जिंदा है, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये सच होता तो इंसान कभी भी दूसरे देश जाने के लिए समुद्र का रास्ता लेते ही नहीं और ना ही समुद्र की सैर करने की हिम्मत रखते, और साथ ही आपको मार्केट में मछलियाँ भी काफी महंगी मिलती, क्योंकि मछुआरे गहराई में जाकर मछलियाँ पकड़ ही नहीं पाते, या फिर आपको मेगलोडोन जहाजों का पीछा करते कभी न कभी जरूर दिखाई देता। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।